हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेवरिक मीरा। मेरा नाम है मीरा और मैं जर्मनी में रहती हूँ। आज मैंने बनाया है एग करी एंड इसके साथ जीरा राइस। सो, ये एग करी थोड़ा अलग है, कोई भी जानते हैं कि नहीं। ये वन ऑफ माय डैड्स फेवरेट एग करी, तो ये एक्चुअली ये ऑमलेट करके ये देखिए एंड माय हस्बैंड टू। ओके, तो इसको ये बहुत पसंद है। ये ऑमलेट करके ऐसे बनाते हैं, सो दिस इज़ द ऑमलेट और ये बहुत ही अच्छा लगता है। थोड़ा टाइम लगता है, सो आज संडे है, अगेन इट्स रेनिंग, सो वी ऑप्ट नॉट टू गो आउट विद चिल्ड्रेन, क्योंकि बारिश में नहीं जाने से अच्छा है, बच्चों को सर्दी खांसी लग जाती है जल्दी। सो इसलिए खाना वाना जो फूडी है तो वो सब। तो देखिए, आई होप यू ऑल विल एन्जॉय वंस यू कुक। अगर आपको किसी को अगर जानना है इसकी रेसिपी, देन डेफिनेटली प्लीज़ फील फ्री टू यूज़ द कमेंट स्पेस एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई माई बेस्ट टू रिप्लाई योर कमेंट। लेकिन एक टिप्स है, अगर एक करी में ना आप थोड़ा चिकन मसाला दे दो ना तो बहुत ही अच्छा, लो थोड़ा सा, देन इट विल बी ऑसम। एंड इसके साथ मैंने बनाया है जीरा राइस, सो कम्बो विल रॉक इन। एंड इसके साथ थोड़ा लेमन भी है, मैंने काट के रखा है। सो ये एन्जॉय योर संडे विद योर फैमिली, विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर बाहर जाना नहीं हुआ तो अच्छे अच्छे बना के खाओ। अभी मैं अपना काम खुद कर रही हूँ, जैसे आप लोग भी करते हैं अपने काम। लेकिन क्या है, इंडिया में थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, वो हाउस हेल्प आते हैं तो थोड़ी बहुत हेल्प हो जाती है, लेकिन जर्मनी में आपका काम आपको खुद ही करना है। तो आज मैं एक चीज़ शेयर करने चाहती हूँ कि इन मतलब यहाँ पर जर्मनी में और एक चीज़ है कि हाँ, कोई आपको हेल्प नहीं करेगा, लेकिन कुछ कुछ मशीन्स जो है वो आपको हेल्प कर सकता है। जैसे अभी बर्तन धोने के लिए डिश वॉशर है, लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि अगर डिश वॉशर है तो क्यों भाई मैं ये सब करी हूँ। थिंग इज दैट अगर जर्मनी में कुछ कुछ रूल्स भी है जो आपको फॉलो करना है, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू इफ़ यू अराइव इन जर्मनी। सो मेरे इतने सारे बर्तन अब मुझे खुद ही धोने पड़ेंगे। अगर आप कोई भी डे या संडे मंडे जो भी कोई भी डे इन द सेंस आप अगर नॉइस क्रिएट भी कर दो, लेकिन रात के 10 बजे के बाद मेक श्योर आप इतना आवाज़ मतलब आपके घर से इतना आवाज़ ना निकले। आई मीन बच्चे के शोर या कभी कभी होता है ना कुछ कुछ म्यूज़िक, लाउड म्यूज़िक, ये सब चीज़ ना आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि या वॉशिंग मशीन ये सब चीज़ या वैक्यूम क्लीन या यू आर यूजिंग ड्रायर, सो ये सब चीज़ है ना, सो मेक श्योर यू अवॉइड यूजिंग आफ्टर 10 PM। तो यहाँ पर ये सब। एंड देन अगर आप संडे में आप कहीं अगर आप घूमने जाते हो वहाँ पर शोर, बिकॉज जैसे मैं यहाँ पर संडे में हम लोग घूमने गए थे तो दैट नॉइस यू कैन क्रिएट आउटसाइड प्लेसेस। अगर मेन सेंटर में गए थे तो वहाँ पर आप कितना शोर था, कितना क्राउड था, दैट इज़ ओके। बट अगर घर पे हो आप और आप वही सेम चीज़ अगर आप घर पे करते हो, जैसे बच्चों के नॉइस या खेलने कूदने के नॉइस या यू नो लाउड म्यूज़िक या वॉशिंग मशीन या वैक्यूम क्लीन, ये सब चीज़ संडे में अवॉइड कीजिए। बिकॉज संडे में अगर आपके नेबर्स यू नो संडे डोंट दे वांट टू बी इन पीसफुल लाइफ, दे कम्प्लीटली टेक रेस्ट, दे गो आउट, especially German, they go out or they stay in complete rest, they don't want loud music to disturb them. So make sure that whenever you arrive in Germany, आपको ये चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपके घर पे बच्चे हो तो बच्चे इतने आवाज़ ना करें। अगर आप टीवी देख रहे हो तो आप टीवी का साउंड सिस्टम भी थोड़े लो वॉल्यूम में रखें। और जैसे अभी आज संडे भी है, ऊपर से 10 बज के और मैं सोच रही थी, हम लोग बातचीत में थोड़े घुल गए और मैं भूल गई टाइम देखना, और मैं सोच रही थी डिश वॉशर में रखूं, लेकिन 10 बज के अब तो मैं रख ही नहीं सकती। सो यस, ये सारे बर्तन अभी खुद ही खुद धोना पड़ेगा अपने ये हाथों से। सो अगर आप जर्मनी में आ तो छोटी छोटी चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ यू नो
आपके हेल्प में, जैसे मैंने बोला कि डिश वॉशर में आप रख सकते हो, लेकिन कब नहीं रख सकते हो, कब रख सकते हो, दैट इज़ ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड वन मोर थिंग, जिस ये चीज़ आई डोंट नो वेदर इट विल बी हेल्पफुल और नॉट, बट मेरे लिए तो बहुत ही हेल्पफुल है ये चीज़। आई वॉन्ट टू शो यू दिस, दिस इज़ कॉल्ड वॉशिंग यूटेंसिल्स ड्राइंग मेट। तो ये चीज़ बहुत को मैंने एक्चुअली क्या होता है, आप जैसे कभी कभी, अभी देखिए मेरा तो डिश वॉशर मुझे हेल्प नहीं करने वाला है, ठीक है, अभी मेरे हाथ से मैं खुद बर्तन, सारे बर्तन मैं धो के रखूँगी। धोने के बाद जैसे आप जैसे ये ट्रे में रखते हो, ट्रे में अभी इतना सारा बर्तन ट्रे में तो काम नहीं आता है, यू हैव टू कीप। ये चीज़ मैं बर्तन धोती थी, स्पेशली अगर ऐसा सिचुएशन में गिर जाऊँ मैं क्या करूँ, तो मैं बर्तन धो के ऐसा वाला मैट आप यूज़ करें, क्योंकि मेरे हमने जब आए थे जर्मनी में, हम लोग रहे थे एयरबीएन में, एंड दैट वो बहुत ही अच्छा रूम था, एयरबीएनबी का जो रूम हम लोग को मिला बहुत ही अच्छा रूम था। ईच एंड एवरीथिंग वो लोग ना ध्यान रख के मतलब बनाया हुआ है, एंड क्या मतलब किचन में क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या चीज़ हॉल रूम में चाहिए, क्या क्या चीज़ वॉशरूम में चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल्स वो लोग रखा, और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो जैसे मैंने अभी हम लोग के ये घर पे कुछ कुछ चीज़ नहीं है, सो दैट एयरबीएनबी का जो रूम हम लोग का कमरा मिला, उससे मैं थोड़ा मुझे हेल्प मिला कि चलो ये चीज़ मेरे काम आएगा, क्योंकि अभी मैं जैसे अभी बर्तन धो के ये यहाँ पर रखूँगी, मैं कितने बार पूछूँगी, राइट, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी। सो आप इसे ये टाइप खरीद सकते हो, तो दैट इज़ मोस्ट, ये बहुत ही हेल्पफुल है कि पानी ये सो करता है। एंड वन मोर बेस्ट थिंग कि यहाँ पर तो पानी आता ही नहीं, सो आप जिस पे भी जिस पे रखो ये ड्राई रहेगा। एंड ये चीज़ आपको कोई भी स्टोर में मिल जाएगा, लेकिन बेस्ट पार्ट मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कि यू विल गेट द बेस्ट प्राइस इन एक्शन। यस, एक्शन ऐसा बजट शॉपिंग स्टोर है जो, जैसे मैंने और भी बोला, जैसे कीक है, लीडल है, टेडी है, वुलवर्थ है, वैसे कई सारे शॉपिंग स्टोर है, लेकिन मैंने जब मुझे तो जैसे मैं स्टार्टिंग में आई, मुझे कीक स्टोर दिखा तो वही मुझे चीप लगने लगा, फिर मैं टेडी में गई तो टेडी मुझे चीप लगने लगा। जब सारे स्टोर पे मैंने स्टार्टिंग कंपेयर किया, कुछ छोटी छोटी चीज़ जितनी भी चीज़ मैंने ख़रीदा, और जब मैं एक्शन में कंपेयर करने स्टार्ट गई, तो मुझे दिखा कि ये जो चीज़ जो दूसरे स्टोर में मिला, जो प्राइस मुझे एक्शन में मिला, वो कहीं दूसरे स्टोर में इतना प्राइस से, मतलब इतना लेस प्राइस से मुझे नहीं मिलता। एंड द क्वालिटी इज़ ऑल्सो वेरी नाइस क्वालिटी, सीरियसली। तो अगर आप जर्मनी में आते हो और यू वॉन्ट टू गेट गुड क्वालिटी इन रीजनेबल प्राइस, सो गो इन एक्शन। सो यस, तो ये हम लोग एक्शन स्टोर के बारे में, मुझे हम लोग को बात बहुत दिनों के बाद पता चला, वो भी मैं एक रील्स या आई थिंक वीडियोस देख रही थी, और किसी ने कुछ टूल्स के बारे में शेयर किया। सो हम लोग को भी टूल्स, जैसे कुछ अगर आप घर के काम भी आओ, मेक श्योर कि आप भी थोड़ा मल्टीटास्कर बन जाओ, क्योंकि जर्मनी में अगर आप आते हो तो मेक श्योर कि आप अपने कुछ काम आप खुद करो, अदरवाइज़ अगर आपको नहीं आती है, मतलब देन रेडी टू पे हैवी अमाउंट, और एल्स बी ए मल्टीटास्कर टू डू ऑल द वर्क बाय योरसेल्फ। सो हम लोग को भी कुछ काम पड़ा था, एंड थैंक गॉड चिरू को थोड़ा बहुत ये सब आता है, तो उसने कुछ टूल खरीदा और उसने अपना काम खुद ही किया। एंड वही वो रील्स देख के या वीडियोस देख के हम लोग जब एक्शन में गए, तो देन वी गॉट, अरे ये प्राइस तो वहाँ पर वुलवर्थ में ऐसा मिलता था, एंड वी सी अभी यहाँ तो ऐसे में सेम थिंग। समटाइम्स यू विल गेट द सेम प्रोडक्ट लेकिन इन लेसर प्राइस, और समटाइम्स द बेस्ट प्रोडक्ट इन लेसर प्राइस इन एक्शन। सो तभी हम लोग को चले, अभी थोड़ा दूर है हम लोग का घर के डिस्टेंस से, सो ऐसा नहीं होता है कि आप जब भी लिस्ट बना लो क्या क्या चाहिए। सो हम लोग ने भी ऐसा किया, क्या क्या चाहिए, क्या क्या पेंडिंग है, क्या क्या चाहिए, क्या क्या हम लोग अगर नहीं है, अरे ये तो चाहिए, देन वी स्टे, तो हम लोग एक्शन जाते हैं पहाड़ में एक्शन करने के लिए, ये हम लोग को चाहिए। सो हाँ, और हाँ, अगर आप टॉयस में, वो भी मैं शेयर करूँगी, टॉयस अगर आप लेना चाहते हो, जैसे बच्चों का टॉयस, द
रीजनेबल प्राइस आपको बहुत अच्छा अच्छा टॉयस मिल जाएगा. एंड या सो स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स. और एक्चुअली आपके बात करते तो नहीं होगा, काम तो मुझे करना ही पड़ेगा. सो या आप अच्छे से सो जाओ और मैं जल्दी से काम करके ले आती हूँ. बाय.